वो पहले के दौर थे जब हमें किसी भी विभाग से कोई शिकायत होती थी या फिर सरकार के मंत्रियों से बात करनी होती थी तो उनके निजी व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। जी हाँ, अब मंत्री खुद ब खुद जनता के साथ बात करना चाहते हैं। इसके तहत हिमाचल सरकार ने जनमंच का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी कड़ी में आज पालमपुर के जिया में एक जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ विधायक आशीष बुटेल, महिला मोर्चा की अध्यक्ष इंदु गोस्वामी, विनेश शर्मा और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस जनमंच कार्यक्रम के दौरान मंत्री महोदय ने आम जनता की समस्याएं सुनी। इस जनमंच कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। के प्रदेशाध्यक्ष के मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो हमारे आउटसोर्स भाई कर्मचारी जो लगे हुए हैं 10-15 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, हमने अपने एक मांग अनिल शर्मा जी से, आज जो ऊर्जा मंत्री हैं उनसे हमने डिमांड रखी थी कि जो अब सितंबर के महीने में जो इन्होंने इंटरव्यू के लिए जो कॉल की है, अब जो लोग 10 या 15 20 साल से जो बोर्ड में सेवाएं दे रहे हैं, अब उनसे इंटरव्यू लेके जो है उन्होंने लिख दिया है कि जो इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर इंटरव्यू में फेल हुआ तो उसे हम निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो सरकार को ये पहले सोचना चाहिए था कि जब इन्होंने 2006 उससे पहले 2002 से जो है आउटसोर्स प्रथा शुरू की थी, तो उस समय सोचा चाहिए था कि हमें इंटरव्यू लेना चाहिए इनका। उस समय इंटरव्यू लिया नहीं। अब जब उनकी एज जो है कईयों की 45 से ऊपर हो चुकी है, जो कि अब इंटरव्यू देने के लायक नहीं है। थोड़े दिनों के बाद ये एज लिमिट डाल देंगे कि हम 21 से 30 के बीच के जो कर्मचारी होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके ऊपर जो होंगे उनका इंटरव्यू नहीं होगा, जो वो ऑटोमेटिकली बाहर होगी। क्योंकि जो इनको 20 या 25 साल से बोर्ड की सेवाएं दे रहे हैं, 15-15, 20-20 साल हो गए, और बड़ी मुश्किल से उनका घर का गुजारा होता है। क्योंकि आपको पता है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को सैलरी कितनी मिलती है, 5,000 या 7,000 से ऊपर देते नहीं है। एक तो उनके लिए पॉलिसी के लिए डिमांड रखी जा रही है, डिमांड तो कहाँ रखी, और रेगुलर के लिए डिमांड रखी, लेकिन सरकार ने फिर भी अब जो है नया एजेंडा तैयार कर दिया कि इनके लिए जो है वो टेस्ट रखा जाएगा। अगर टेस्ट रखना है तो ठीक है, टेस्ट रखो, लेकिन उन लोगों को रेगुलर करो। पहले प्रेफरेंस उन्हीं और सोर्स कर्मचारियों को दी जाए जो 15 या 20 साल से सर्विस दे रहे हैं, बोर्ड की सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वही हाल है कि सभी लोगों ने एक ही पकड़ा हुआ है कि नहीं जी, हम और सोर्स के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर कर नहीं सकते हैं तो रखते क्यों हैं? तो तुम चंद्र, मैं एक्स आर्मी हूँ प्लस अपने खेती बाड़ी का काम करता हूँ। पिछले वर्ष जो है वो भारी बारिश होने के कारण जो है वो एक गर्भू नाला है, वहाँ से जो है जमीन जो स्लाइड हो गया था, वहाँ से कम भी 300 कनाल एरिया जो है वो पानी से सिंचाई से वंचित है। इस वर्ष ये जो 300 कनाल एरिया है, लगभग 15-20 जो किसान है वहाँ, उनका जो है वो बारिश के ऊपर डिपेंड हम लोग हैं। इस बार मैंने भी एप्लीकेशन दिया है भू संरक्षण विभाग को, वहाँ पर मौका देख करके इस प्रॉब्लम से निजात दिलाई जाए, सरकार की तरफ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मुहैया करा करके उस पानी की समस्या का हल किया जाए। धन्यवाद। और हमारी जो समस्या है वो लोगों के प्रति समस्या है, तो जैसे हमारी ज़्यादातर पानी की समस्या थी वो हमने मंत्री जी को बताई है, और उसके बाद जो कूलें हैं हमारी और कुछ जो हमारे बाकी जो छोटी छोटी कूलें जो ज़मीनों के लिए जाती है उसके लिए वो भी हाँ हमने मंत्री साहब के पास समस्या रखी है, और बाकी हमारे कूल हैं गांव के, अच्छा उसके वो भी हाँ हमने समस्या रखी है। बाकी जो विभाग की समस्या है वो भी मंत्री साहब के पास हमने रखी है। मैं ग्राम धारसा का प्रधान हूँ। मैं हमारे इलाके में मतलब बस की बहुत ही छोटी है, लोगों को बहुत उन्हें इंतजार करना पड़ता है। हमने कई बार विभाग से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन आज दिन तक कोई बस की और मंत्री महोदय जी से हम बात करेंगे और मतलब उनसे बस के बारे में
दूसरे नंबर ये कि मतलब जो सिंचाई के लिए हम हैं रजिस्ट्रेशन वाले पंचायतों के हैं तो कुंड जो है वो मतलब अब तक अंधेरी पड़ी हुई है बनी नहीं, जिससे कि मतलब हम लोगों को सुविधा मिल सके, हम खेती बाड़ी कैसे मतलब लगाएंगे हैं। दूसरे नंबर तीन कि मतलब बंदरों की बड़ी समस्या है, जो घरों से सामान उठा कर ले जा रहे हैं है, और मतलब वो जो बंदर है वो छोटे छोटे बच्चों या लेडीज़ को भी मतलब वो तंग कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसी ऐसी समस्या में जो है तो इनको सॉल्व किया जाए। और हमारी सरकार से ये प्रार्थना, मैं सन 82 से लेकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ और मतलब आज भी है, तो मैं मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करता हूँ कि इन सारी समस्याओं को ठीक ढंग से मतलब निकाल दें। धन्यवाद। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं जुगेर टीके का रहने वाला हूँ जिया से। हमारी जो समस्याएं हैं वो बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है। हमारे नदी के ऊपर एक पुल है जो पैदल चलने के लिए PWD डिपार्टमेंट ने बनाया था, और उसके अब परली तरफ सड़क बन गई है जो नदी के परली तरफ है, और उरली तरफ भी सड़क है, पर गाड़ी पुलिस पुल पर कन्वेंस कोई नहीं जा सकती। तो हम लोगों ने मंत्री जी से बोला, हमारे प्रधान जी ने बोला, सरपंच जी ने सारी समस्या रखी है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे लोगों को सुविधा मिले। लोग पार बीमार होते हैं, लेडीज़ की डिलीवरी होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, जिनको पालकियों में उठा के लाना पड़ता है, और आज इस युग में ये साधन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर जगह पर पूरे इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में ये सारी सुविधा जुड़ चुकी है, जो हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं HP गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करें और हर जगह करें, जिससे लोगों को समस्या मिले। इस गवर्नमेंट से लोगों को बहुत उम्मीद है, बहुत बहुत ही उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट आई है तो बहुत कुछ करेगी और बहुत भला करेगी लोगों का। धन्यवाद। मैं सुबेदार विजय भट्ट, प्रधान बंदला और प्रधान संघ का प्रधान होने के नाते आज हिमाचल सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनमंच के द्वारा अपने सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों के माध्यम से जनता की जितनी समस्याएं थी उनको उठाने में हम लोग सफल रहे हैं, और हिमाचल सरकार इसका निवारण बहुत जल्दी करेगी। जो हिमाचल सरकार है वो जनता की सरकार है, वो हमेशा जनता की आवाज़ को उठाती है और जनता के काम को करती है। आज सबसे पहले जो घोटला पंचायत के जो प्रधान थे श्रीमती रक्षा देवी जी, उनके साथ में गया था। उनकी सबसे बड़ी पंचायत थी पानी की, 152 बिहार कंडी रोड से लेके और कुशमल लटवाला तक जो कूल जाती थी, उसमें हमेशा बहुत ही पैसा जो सरकार ने उस पर लगाया है, परंतु वो लास्ट जो उसका एंड लटवाला है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाई है, और हमेशा उस कूल का जो निर्माण चलता रहता है, परंतु लोगों को जब खेती का काम आता है, जैसे कि प्रेजेंटली अभी धान की फसल है उसके लिए पानी की जरूरत है, परंतु उसमें पानी नहीं है। इसलिए पंचायत ने ये मुद्दा उठाया है कि सरकार अगर इतना पैसा खर्च कर रही है तो एक बार एक्शंस SGOs JEE 11 वहाँ का दौरा करें और देखें कि लोगों को क्या पानी की परेशानी हो रही है। दूसरी जो समस्या थी वो बघोटला पंचायत की थी, क्योंकि जो बघोटला पंचायत है उसका जो वर्तमान में पंचायत घर है वो बहुत ही जर्जर हालत में है। उसका जो एक ही कमरा है जिसमें ना साथ बैठ सकते हैं ना सही काम से अपना काम कर सकते हैं, तो उसके लिए जो बघोटला और कुशमल जो दो गांव हैं उसके बीच में एक 26-27 कनाल की भूमि जो वो श्यामला पड़ी हुई है, तो इन्होंने ये समस्या उठाई है कि अगर उस भूमि को उसमें से दो कनाल जमीन जो है वो पंचायत के नाम से कर दी जाए, तो उसमें जो पंचायत घर बनेगा वो कुशमल गांव के लिए नज़दीक रहेगा और बघोटला पंचायत के लिए नज़दीक रहेगा। तीसरा उनकी एक जो उनकी जो समस्या थी वो थी वेटनरी की, जो वेटनरी जो हॉस्पिटल वहाँ होटला में है उसका भी कोई भी स्थान जो है निश्चित नहीं है, इसलिए वो वहाँ अगर बना दिया जाए जहाँ पंचायत के साथ, तो उनकी समस्याएं जो हल हो जाएंगी। इसी प्रकार सभी पंचायतों की जो समस्याएं थी उसको हमारे जो माननीय मंत्री अनिल शर्मा जी आज आए हुए हैं, उनके साथ जितना भी विभाग जो आया हुआ है वो एकदम सही ढंग से उनकी एप्लीकेशन ले रहा है और उस पर सही गौर करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल सरकार द्वारा पालमपुर विधानसभा के अंतर्गत जिया रेस्ट हाउस में जो जन मंच लगा हुआ है उसमें सभी लोगों की जो सुविधाएं हैं जो समस्याएं हैं वो हल होंगी, तथा जो समस्या रह जाएंगी वो भी जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं वो जो है जल्दी ही उनका निपटारा कर देंगे। धन्यवाद। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिन्हास की रिपोर्ट।